सबसे पहले ये अमृतसर से ही सूर्य ग्रहण की एक तरीके से कही है, भारत में शुरुआत सबसे पहले अमृतसर में ही दिखा सूर्य ग्रहण, और वो सबसे ऊपर आपको जो तस्वीर दिख रही है वो अमृतसर की ही दिख रही है। उसके बाद मुंबई, दिल्ली, हरिद्वार, जम्मू, अलग अलग जगहों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सूर्य ग्रहण अब दिख रहा है। वाराणसी की भी हमने तस्वीरें दिखाई, प्रयागराज की भी हमने तस्वीरें दिखाई, तो देश के अलग अलग शहरों में अब सूर्य ग्रहण दिख रहा है। लेकिन इसके साथ अगर कुछ और भी दिख रहा है तो वो है आस्था, वो है लोगों की श्रद्धा, और लोग उसी श्रद्धा और आस्था के साथ गंगा में स्नान करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, इस समय विकरण होता है, सूर्य की किरणें हो या चंद्रमा की हो, अगर हम एक गिलास पानी का रखें उसके बाद उसका टेस्ट करें साइंटिफिक, तो वहां पर हमको मालूम पड़ेगा कि इसमें विकरण हुआ है। इस तरह के टेस्ट पहले भी हुए, आने वाले 15 दिन के बाद। मतलब क्या मतलब है? मैं बता रहा हूँ, एक सीधा सा मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि सूर्य से विकिरण रोज निकलता है, हमारे पास तक आता है, अब उसके आगे चंद्रमा की, वो चंद्रमा आ गया है, तो विकिरण कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। कैसे होगा? मैं वही पूछ रहा हूँ। क्योंकि विकिरण ज्यादा होगा, अगर आप इस समय टेस्ट करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। जो हमने टेस्ट किए हुए नहीं, 15 दिन बाद अगर आप करेंगे तो उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। आप 15 दिन बाद कीजिएगा, चंद्रमा आ रहा है तो मिलेगा। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तो ऑटोमेटिकली उतनी ही रहेंगी, लेकिन लिमिटेड जब लाइट आती है आपकी आईज एक्सपेंड होती है टू लुक एट दैट लाइट। आप और ज्यादा रोशनी देख सके उस टाइम पे, क्योंकि हम अपनी आईज के कॉर्निया को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो वो लिमिटेड आ रही है नॉर्मल डेज में भी एंड इन डेज में भी, वी आर एब्जॉर्बिंग दैट मोर, उसको हम ज्यादा ग्रहण कर रहे हैं, और उस वजह से हमारी आईज में इम्पैक्ट। जो आप कह रहे थे कि नेकेड आईज, आप क्यों बोल रहे हैं नेकेड आईज? नेकेड आईज क्योंकि उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है आपके कॉर्निया को जला देगी। एग्जैक्टली द सेम थिंग, इंटेंसिटी ऑफ व्हाट रेज आर यू ट्राइंग टू टॉक अबाउट? इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस। एग्जैक्टली, सो देयर आर बी डिफरिंग, हम भी तो वही बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप और मैं तो एक ही बात कर रहे हैं, गलत क्या बात? आप कह रहे हैं कि अमिताभ जी के साथ विरोधाभास हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, विरोधाभास नहीं है। ठीक है, जल्दी से ये दो तस्वीरें भी, रेस में भी उतना ही रेडिएशन होता है। अभी चंद्रग्रहण होगा, अगर आप पानी को रखेंगे रात में तो आपको मालूम पड़ेगा, उसमें रेडिएशन दिखेगा आपको। चलिए ये जल्दी से दो तस्वीरें भी त्यागी जी, भुवनेश्वर और कुरुक्षेत्र की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। भुवनेश्वर में देखिए त्यागी जी, एकदम ही तस्वीर बदली हुई सी एकदम दिख रही है, और कुरुक्षेत्र में भी अब जो धीरे धीरे सूर्य ग्रहण है वो बढ़ता हुआ या आप कहें घटता हुआ नजर आ रहा है, मतलब रिवर्स की तरफ जा रहा है। मुझे लगता है अगर हम अमृतसर का देखेंगे तो शायद वहां पे रिवर्स जो ट्रेंड है शुरू हो गया होगा, और ये क्योंकि अभी ये भी मिड पॉइंट से थोड़ा कम है भुवनेश्वर में भी, और क्योंकि जो जैसे मैंने कहा कि जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है 1 घंटा 44 मिनट के करीब है, उसी दौरान ये जो पूरा मूवमेंट है हम देखेंगे एक डायरेक्शन, एक साइड से आके दूसरी साइड से निकल जाएगा। ठीक, स्वामी अवधेशपुरी जी महाराज भी हमारे साथ इस वक्त दिख रहे हैं। स्वामी जी, यहाँ पर देखिए, एक तरफ तो सूर्य ग्रहण जहाँ ये कहा जाता है कि घर में ही रहिए, खाना जो है रखा हुआ मत खाइए, वो अपवित्र हो जाता है, बहुत सारी बातें कि घर पे ही रहिए, पहले स्नान कीजिए बाद में स्नान कीजिए, लेकिन हम अलग अलग जगहों की तस्वीरें देख रहे हैं, लोग स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, चाहे हरिद्वार हो, कुरुक्षेत्र हो, भारी तादाद में वो भी। जी जी, ये बहुत, मैं आपको इसका बहुत सरल उत्तर दे देता हूँ जी। ये जो बातें, ये जो आचार संहिता की आप चर्चा कर रही है कि क्या करिए क्या ना करिए, बहुत पूर्व की बातें हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने उस समय ऐसा कहा था। उसके बाद में हमारी जो लिविंग स्टाइल है इसमें काफी चेंज आया है, बहुत परिवर्तित हुई है। अक्सर करके ये बहुत पुरानी बातें उस समय की हैं कि जब अक्सर करके लोग खुले में ही तो रहा करते थे, झोपड़ियों में रहते थे, उससे पहले लोग पेड़ों के नीचे रहते थे, बहुत ज्यादा विकसित हम लोग नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी हमारे जो ऋषि मुनि थे, संत महापुरुष थे, उनका जो मस्तिष्क था वह विकसित था। जैसा कि आपके अभी मुझे लगता है संजय जी बोल रहे थे कुरुक्षेत्र से कि अभी रिसर्च हो रहा है, सर्च नहीं हो रहा, तो सर्च के वो दोबारा से जब हम उस पर चिंतन करते हैं तो रिसर्च की स्थिति पैदा हो। अब प्रश्न यह है कि सर्च किसने किया, तो सर्च किया ऋषियों ने और मुनियों ने, तो वो उस समय की तात्कालिक व्यवस्थाएं थी। अब धीरे धीरे चूंकि हमारा जीवन, हमारी जीवन की जीने की जो शैली है उसमें परिवर्तन आया है, लोग थोड़ा बाहर जाना चाहते हैं। दूसरी बात, ये जो स्नान की व्यवस्था है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब करने से होता क्या है कि हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, एक सकारात्मकता आती है, और सकारात्मकता जो है ऑलरेडी वो जितनी भी नेगेटिविटी है उसको वो खत्म करती है। तो कुल मिलाकर के बात है नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की,
तो मैं आपको एक बहुत सुंदर सी बात इस बीच में कहूंगा, क्योंकि मेरा जो चिंतन है वो स्वास्थ्य के ऊपर है। तो मैं आपको बता दूं कि जर्मन के एक वैज्ञानिक हुए हैं हारमेंट अंसर्ट, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा एक ऊर्जा मापक यंत्र बनाया था, बोबस स्केल, बोबस यंत्र का नाम दिया था। तो उसमें एक अष्ट धातु की प्लेट के ऊपर अगर 9 अंगुल का स्वास्तिक बना है, अष्ट धातु की प्लेट पर 9 अंगुल का स्वास्तिक बना करके उन्होंने उसकी पॉजिटिव एनर्जी को मापा था, तो पता चला कि उसमें 10 लाख बोबिस स्केल पॉजिटिव एनर्जी थी, जबकि एक सामान्य जीवित व्यक्ति में 6500 बोबिस स्केल पॉजिटिव एनर्जी रहती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस ऋणात्मक जो ऊर्जा है इसको धनात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, या आप ऐसा कहिए कि जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, हम भारतीय लोगों के पास, हम हिंदुओं के पास सनातन धर्म और सनातन संस्कृति में एक बहुत सुंदर व्यवस्था है, उसका नाम है स्वास्तिक, ठीक है, जो कि मांगलिक चिन्ह है। एक छोटी सी बात कह दूं कि इस समय लोगों को चाहिए कि अपने घर में कुछ नहीं उनसे बन पड़े तो वो एक लाल स्वस्तिक बनाए, कंकु का स्वस्तिक तावे की प्लेट में बनाए, अष्ट धातु प्लेट हो तो बहुत अच्छा है, और उस पर घी का दीपक जला दें, तो वहां की जो नेगेटिविटी है उससे वो बच सकते हैं। ठीक है।